हेलो फ्रेंड, मैं रेखा मेहर गार्डन से आपका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और गार्डनिंग में मस्त होंगे। और क्या कहूँ, आज मैं नर्सरी से ये देखो, एक तो ये केल लाई हूँ। ये केल का कैबरेज, ऑर्नामेंटल कैबरेज का प्लांट है। और दो मैं प्लांट सैलेड लैटिस बोलते हैं, दो लैटिस के प्लांट लाई हूँ। ये बहुत ही अच्छे होते हैं, विंटर में ये बहुत आसानी से ग्रो होते हैं ये प्लांट। और देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं, जब हम अपने गार्डन में इनको लगाते हैं तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ये जो लैटिस है, ये सलाद में बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं और बाहर इनको बहुत लगाते हैं। तो इस समय मेरे नर्सरी में आए तो मैं ये दो लैटस और एक केल का प्लांट लाई हूँ। एक ऑर्नामेंटल के कैबरेज है ये, जो बहुत ही प्यारे लगते हैं देखने में। और इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूंगी कि आप इनको कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इनके बीज, ये बीज से बहुत आसानी से ग्रो होते हैं। आप बीज ऑनलाइन भी ले सकते हो, और अगर आपकी नर्सरी में इनके बीज मिलते हैं तो आप इनको बीज से भी ग्रो कर सकते हो। मेरे यहाँ तो इनके बीज अभी नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने ये प्लांट लिए हैं। मैंने ये तीन प्लांट ख़रीदे हैं, ये तीन मुझे 100 रुपीज़ के मिले हैं। तो आज मैं इनको रिपोर्ट करने जा रही थी, तो आप लोग से शेयर करूँगी मैं। तो इनके पत्ते सलाद में बहुत उपयोग में आते हैं। आजकल तो इनका बर्गर वगैरह में ज़्यादा उपयोग होता है, और ये हेल्थी भी होते हैं। आप घर में इनको आप उगा सकते हैं और खूब अच्छे से हेल्थी सलाद के पत्तों के रूप में इनको प्रयोग कर सकते हैं। इनकी मिट्टी हमेशा, जब आप भी लगाएं तो आप इनकी मिट्टी को वेल ड्रेन बनाएं। और ये इस समय विंटर में बहुत ही अच्छे चलते हैं, और इनको 2 और 3 घंटे की धूप मिलेगी तो ये बहुत ही आसानी से चलेंगे। ये नीचे के पत्ते आप तोड़ते जाइए और ये ऊपर बढ़ता जाता है, और चौड़ाई में भी बहुत घना हो जाता है। पर मेरे यहाँ ये इस तरह का मिला है तो मुझे बहुत शौक लगा, इसलिए मैं इनको ले लिए। एक कैबेज है, ये देखने में बहुत प्यारे फूल का शेप ले लेगा जब हम इनको शिफ्ट करेंगे। जब आप इसकी मिट्टी बनाएं तो 3 रेशियो में ही मिट्टी बनाए, एक हिस्सा एक हिस्सा सॉइल, एक हिस्सा बालू और एक हिस्सा खाद मिला के इसकी मिट्टी बनाएं, तो ये बहुत आसानी से चलते हैं। और इनको मॉइस्ट सॉइल पसंद है, पर सौगी मत होने देना। आप पानी जब भी डालो, जब लगे कि इसका मॉइस्चर सूख गया है। तो आज मैं इनको शिफ्ट करना भी बताऊंगी आपको। और मुझे ये, आपको मैंने बताया कि मुझे 100 में 3 मिले हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगे इनके पत्ते देखने में। और मैंने एक पत्ता भी यूज़ भी किया है, और आपको अपना एक गार्डन की एक झलक दिखा देती हूँ। मेरे गार्डन में कैसे फूल खिल रहे हैं, ये प्यारे प्यारे फूल खिल रहे हैं, और इस तरह से मेरा गार्डन है। और इसके लिए मैं जो मिट्टी बना रही हूँ, और भी ये देखिए, मैं इस तरह ये मिट्टी का ढेर बनाए हूँ। इसमें मैंने एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा खाद ली है, थोड़ा सा फंजीसाइड डाला है और नीम खली डाली है। और आज मैं थोड़ी मिट्टी ज़्यादा बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे प्लांटों को रिपोर्ट करना है, तो मैं इठक्का मिट्टी बना लूँगी। और अपने ये केल और कैबेज लेटस के प्लांट को रिपोर्ट भी कर लूँगी। तो मैं चलिए आपको दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने ये प्लास्टिक का पॉट लिया है और इसमें होल कर रखे हैं, और इसमें मैंने ये छोटे छोटे से पत्थर हैं वो डाले हैं, जिससे कि मिट्टी हमारी आसानी से पानी निकल जाए और मिट्टी बाहर ना जा सके, इस तरह से। और ये मैंने 8 इंच का गमला लिया है, और ये बहुत आसानी से 8 इंच के और 10 इंच के गमलों में बहुत आसानी से चलते हैं। और इसके मैं रूट बॉल को नहीं छेड़ूंगी, इसलिए मैंने इसको, इसकी पन्नी को हटा दिया है। और रूट बॉल को आप विंटर के प्लांटों को
रूट बॉल को ना छेड़ें, और नीचे के पत्ते बहुत ही लैगी लैगी से हो गए हैं तो मैं इनको हटा दूंगी और बस ऐसे ही मैं पूरा प्लांट रख दूंगी, वरना ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही जल्दी से मुड़ जाते हैं, तो मैं इसको हटाऊंगी नहीं। और इस तरह मैं इसकी मिट्टी डाल दूंगी। ये बहुत अच्छे होते हैं, आपको भी अगर बहुत लोग लगाते भी होंगे सलाद का प्लांट, पर जो नहीं लगाते उनको बताती हूँ कि आप लोग लाओ और इसको ज़रूर लगाओ, बहुत ही अच्छे से चलते हैं और खाने में भी बहुत हेल्दी होते हैं। तो इस तरह मैं तीनों लगा लूँगी, और मैंने ये देखिए तीनों लगा लिए हैं, और अब मैं इसको पानी डाल दूँगी। रात का समय है तो मैं रात में ही रिपोर्ट कर रही हूँ अपने प्लांटों को। तो इस तरह मेरा ये लग गए हैं आपको, और मैंने और भी मैंने बोला था कि खूब सारी रिपोर्टिंग करनी है, तो मैंने इस तरह ये रिपोर्टिंग कर ली है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। बाय बाय।